नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जब दांतों में कीड़ा लगता है तो बहुत भयंकर दर्द होता है, जिसको सहन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दांतों के दर्द और कीड़े को खत्म करने के लिए बाजार में कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है जो सही तरीके से काम कर सके। सैकड़ों प्रकार के टूथपेस्ट और मंजन होने के बाद भी दांतों की समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। सिर्फ देसी इलाज के द्वारा ही दांत के कीड़े को मारा जा सकता है और लोग लाभ ले रहे हैं, क्योंकि हमने काफी सारी इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है जिनसे काफी लोगों को आराम मिल रहा है। दांत का दर्द और कीड़ा खत्म करने का अभी तक का सबसे असरकारी और अचूक उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। आज भी हम आपको कटेरी का एक प्रयोग बता रहे हैं जो बहुत ही पावरफुल है, जिसे करने के बाद आपको तुरंत आराम मिलेगा। आपको सिर्फ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा ताकि आप सही से बात को समझ सकें। यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें और देखते रहें। यह कटेरी का पौधा है जिसके दो फल आपको चाहिए, यदि फल कच्चे हैं तो भी चलेंगे। इस कटेरी की संपूर्ण जानकारी हमने पिछली वीडियो में आपको बता दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको कटेरी के दो फल चाहिए, यदि सूखे हुए मिलते हैं तो भी आप ले सकते हैं। इसके बाद अकौए के पौधे के पास चलते हैं, जिसे आग का पौधा भी कहते हैं। इसकी भी संपूर्ण जानकारी हमने वीडियो के माध्यम से पहले आपको बता दी है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके पत्ते तोड़ने पर काफी सारा सफेद दूध निकलता है, पर सावधानी पूर्वक इसके दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह दूध आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जरा सी मात्रा आंखों में जाने से आंखों की रोशनी जा सकती है। यदि गलती से इसका दूध आंखों में चला जाता है तो बहुत जलन और दर्द होता है, जिसको दूर करने के लिए शुद्ध देसी गाय का घी लगाने से आराम मिल सकता है। खैर, चलिए इसका एक पत्ता तोड़ लेते हैं और इस पर कुछ मात्रा में दूध डाल लेते हैं। अब ये कटेरी के फलों को तोड़कर इनके बीजों को इस दूध के साथ हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपको आग के पौधे की एक लकड़ी चाहिए। यदि लकड़ी सूखी हुई मिलती है तो अच्छी बात है, वरना आप गीली लकड़ी भी ले सकते हैं। तो हम इसमें से एक लकड़ी तोड़ लेते हैं। इस आग के पौधे के वैसे अनगिनत औषधीय फायदे होते हैं। यदि आप चाहें तो इस आग के पौधे की लकड़ी की दांतुन कर सकते हैं, जो आपके दांतों की समस्या को दूर करेगा और कीड़े को भी मार देता है। पर यह दांतुन करते समय इसका दूध मुंह में नहीं जाना चाहिए, वरना आपको कुछ हानि हो सकती है। वैसे थोड़ा बहुत चला जाता है तो कोई ज्यादा नुकसानदायक चीज नहीं है, आप कुल्ला करेंगे और आराम हो जाएगा। अब इस आग की लकड़ी के ऊपर हम थोड़ा सा दूध और लगा लेते हैं, फिर इन बीजों को इसके ऊपर चिपकाएंगे। इस लकड़ी पर इन बीजों को अच्छी तरह इस तरह आप चिपका लीजिए। ये चिपचिपे हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली इस पर चिपकने लगते हैं। कुछ समय रखने के बाद ये अच्छी तरह इस पर चिपक जाते हैं। यदि आप चाहें तो इस तरह की काफी सारी लकड़ियां बनाकर छाए में सुखाकर रख सकते हैं, जो इमरजेंसी में काम आ सकती हैं। अब इस लकड़ी का किस प्रकार से प्रयोग करना है, चलिए देखते हैं। आपको एक दीपक लेना है, जिसके अंदर सरसों का तेल डालकर रख लीजिए और एक रुई की बत्ती बनाकर इस दीपक को जलाएं। जब यह दीपक जलने लगे तो इस लकड़ी को, यह हमारी लकड़ी थोड़ी सूख चुकी है क्योंकि एक दिन बाद हम इसको उपयोग कर रहे हैं, एक सिरे पर इस लकड़ी को रखें तो लकड़ी जलने लगती है। यदि आपकी लकड़ी गीली है तो जलेगी नहीं, सिर्फ धुआं ही धुआं निकलेगा, लेकिन हमारी लकड़ी जल रही है तो हम इसको बुझाते हुए चलेंगे। इसको हम जैसे ही बुझाते हैं तो काफी सारा धुआं निकलता है। इस धुएं को आपको अपने मुंह के अंदर जाने देना है। ये धुआं आपके मुंह के अंदर जाएगा और जहां पर दांत में कीड़ा लगा हुआ है, जो दांत आपका काला हो रहा है, उसमें ये धुआं जैसे ही लगेगा तो आपके दांत का कीड़ा मर जाएगा और आपका दर्द धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। इस प्रयोग से एक ही बार में आपका दांत का दर्द और कीड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन यदि आप इस प्रयोग को 3 दिन तक करते हैं तो हमेशा के लिए आप रोग मुक्त हो सकते हैं। इस प्रयोग को करते समय कुछ सावधानी आपको बरतनी चाहिए, जैसे कि इस प्रयोग को करने से पहले आप अपने दांतों को अच्छी तरह पानी या ब्रश की सहायता से बिना मंजन या पेस्ट की मदद से साफ करें, फिर इसका प्रयोग करें तो ज्यादा लाभ होगा और धुआं कीड़ा लगे दांत में अच्छी तरह लग पाएगा। यह धुआं आपके मुंह के अंदर चला जाता है तो कोई नुकसान नहीं होता है। यह प्रयोग काफी सारे लोगों पर किया गया है और किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। यदि कुछ समय के लिए कुछ परेशानी होती है तो वह अपने आप ही कुछ समय बाद दूर हो जाएगी। एक बात का और ध्यान रखें, इस प्रयोग को करते समय आप अपनी आंखों को बंद कर लें ताकि धुआं आपकी आंखों में ना लगे, वरना हो सकता है कि कुछ नुकसान हो जाए। इसके बाद भी यदि आपके मन में किसी प्रकार का सवाल या कोई विचार है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें, हम जवाब देंगे।
आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।